नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, अगर आप अपनी खैर चाहते हैं तो तुलसी के पौधे के पास ये 5 चीजें कभी ना रखें, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। और अगर आपने गलती से भी ऐसा कर दिया तो तुलसी माता आपको कभी माफ नहीं करेंगी। दोस्तों, सनातन धर्म में तुलसी माँ घर घर पूजी जाती है। जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण को तुलसी के बिना भोग ही नहीं लगाया जाता। हिंदू धर्म में तुलसी को सर्वाधिक पवित्र तथा माता स्वरूप माना जाता है। तुलसी माता बड़ी ही प्यारी है, जो अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। जिस घर में तुलसी का पौधा लगा होता है तो वहां पर तुलसी माता वास करती है। आपको बता दें, आयुर्वेद की दृष्टि से भी तुलसी को औषधीय गुणों वाला पौधा माना जाता है और इसे संजीवनी की संज्ञा दी गई है। हमारे शास्त्रों में तुलसी को महालक्ष्मी कहकर पुकारा गया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी तुलसी के पत्ते का सेवन अनेक रोगों के उपचार में काम आता है। अनेक ग्रंथों में भी तुलसी की महिमा का बखान हुआ है। लेकिन क्या आपको पता है, जब तुलसी माता क्रोधित हो जाती है तो सामने वाले का विनाश कर देती है। इसीलिए तुलसी के पौधे के पास ये 5 चीजें भूल से भी ना रखें, कहीं आपकी बर्बादी ना शुरू हो जाए। तो आइए जानते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, नंबर 1, आसपास कपड़े आदि सुखाना। जिस घर में तुलसी के पौधे के पास कपड़े आदि सुखाए जाते हैं तो वहां पर सकारात्मक ऊर्जा की हानि होती है। ऐसे में तुलसी माता आपसे क्रोधित हो सकती है और आपके घर से जा सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो आपके घर में कंगाली भी आ सकती है। इसीलिए कपड़ों को तुलसी के पौधे के पास सुखाने से बचें। दोस्तों, नंबर 2, साफ सफाई ना रखना। अगर आप तुलसी के पौधे की साफ सफाई नहीं रखते तो आपको धन की हानि हो सकती है। ऐसे में तुलसी का पौधा सूख सकता है और आपके घर से हमेशा हमेशा के लिए तुलसी माता जा सकती है। इसीलिए तुलसी के पौधे की साफ सफाई करते रहें। दोस्तों, नंबर 3, गणेश जी। ये गलती आप भूल से भी ना करें। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो उसमें कभी भी गणेश जी को ना रखें। अगर आपने ऐसा किया तो आपके घर में तांडव हो सकता है, लड़ाई झगड़े, यहाँ तक कि कोई दुर्घटना आदि भी हो सकती है। इसलिए ऐसा करने से बचना चाहिए। दोस्तों, नंबर 4, जूते चप्पल। अगर आपने तुलसी के पौधे के पास भूल से भी जूते चप्पल आदि रख दिए हैं तो तुरंत हटा दें, अन्यथा कुछ भी हो सकता है। अगर आपसे भूल में ऐसा हुआ है तो तुरंत माफी मांग लें, नहीं तो धन की देवी महालक्ष्मी आपके घर से कोसों दूर चली जाएगी, कहीं हो न जाओ कंगाल। दोस्तों, नंबर 5, शिवलिंग को रखना। ऐसा अनर्थ भूल से भी मत करना। और अगर आपने गलती से भी शिवलिंग को तुलसी के नीचे रख दिया है तो वो विनाशकारी साबित हो सकता है। आपके घर में तांडव हो सकता है, आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। इसीलिए शिवजी को तुलसी के पास भूल से भी ना रखें। दोस्तों, जरूरी जानकारी। तुलसी के पौधे में किसी भी खाद्य पदार्थ या दवाई का उपयोग ना करें और ना ही पौधे की कटिंग करें। अगर ऐसा करें तो भूल से भी कैंची और चाकू का इस्तेमाल कभी ना करें। आप अपने हाथों से ही पौधे की केयर करें, और वो भी नहा धोकर। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाला नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।